तो मम्मी मुझे ये बताओ कि क्या मेरे घर वालों के साथ लड़ाई हुई है। रवि अपने दोस्तों के यहाँ पे रह रहा था क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि आपका घर तो चंडीगढ़ में ही है, फिर कब वो आपके घर में क्यों नहीं रहती। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय होम। तो आप लोग बड़ा याद कर रहे थे ना कि मेरे घर वाले कहाँ हैं, मेरे नाना नानी कहाँ हैं, मम्मी कहाँ पे हैं, तो मैं उनसे मिलवाऊँ। तो एक्चुअली मैं अपने यूट्यूब से ही गायब थी, व्लॉग्स ही नहीं बना रही थी, तो फिर आप लोगों को ऐसे में मौका ही नहीं मिला मेरे घर वालों से मिलने के लिए। तो इसलिए मैं यहाँ पर वापस आ गई हूँ अपने घर पर, और आज मैं आप लोगों को मिलवाऊँगी अपने पूरे खानदान से। वैसे तो यहाँ पर आए हुए हो गए मुझे पूरे 2-3 दिन, बट आई वॉज हैविंग रेस्ट YouTube से भी एंड ऑफिस के काम से भी, एंड आई वॉज स्पेंडिंग माई टाइम विद माई फैमिली, तो इसलिए मैंने कुछ भी करना जरूरी नहीं समझा। तो चलिए अब अंदर चलती हूँ एंड सबसे मिलवाती हूँ। तो अभी सब लोग यहाँ पर कर रहे हैं लंच। हेलो बीबी जी, हेलो पापा जी, हेलो मम्मी। सब लोग, पता है आप लोगों को कितना याद कर रहे थे वीडियो में। जीजे हेलो। अभी वही मूवी देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, क्या चल रहा है? मूवी। अच्छा चलो, फैमिली टाइम चल रहा है। तो आज की वीडियो ना हम थोड़ा सवाल जवाब टाइप का करेंगे। मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी आज की इस वीडियो में, क्योंकि मुझे लगता है ना कि चुप नहीं रहना चाहिए। चुप रहने से पता क्या होता है, जो आपके हेटर्स होते हैं ना, उनको मौका मिल जाता है आपके बारे में अजम्पशंस बनाने का और आपके लिए हेट फैलाने का सोशल मीडिया पर। तो इसलिए बहुत रह लिया चुप, और अब मौका मुझे बोलने का, जवाब देने का। तो आज मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगी और सब कुछ क्लेरिफाई करूंगी, एवरीथिंग। तो अभी वो लोग खाना खा रहे हैं, एक बार वो खाना खा के फ्री हो जाए उसके बाद मैं मम्मी से बात करूंगी। हो गया लंच आपका? हो गया। तो आ जाओ, अब ये सब काम बाद में कर लेना, आ जाओ। तो हटा दूं, बैठ करके बातें करते हैं थोड़ी सी। तो मम्मी आज मैं ना पूरे 19 दिन बाद वीडियो बना रही हूँ, बड़े दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ। इस बार तो बहुत ही लेट हो गया। हाँ, तो आप सबसे पहले ना आप सबका हाल चाल पूछ लो और अपना भी हाल चाल बता दो। कैसे हो आप सब? हम सब तो सभी बहुत अच्छे से हैं, बाकी आप सब बताओ कैसे हो। मेरे ख्याल से ठीक ही होंगे सब। तो मम्मी चलो आप मुझे ये बताओ सबसे पहले कि इज इट माई फर्स्ट टाइम हेयर जब से मैं धर्मशाला से आई हूँ? है मेरा मतलब है, सुनो मेरा मतलब है कि मैं जब से धर्मशाला में आई हूँ, धर्मशाला से यहाँ पे चंडीगढ़ में आई हूँ, तो क्या यहाँ पे मैं पहली बार आई हूँ? नहीं है? कई बार आई है। नहीं नहीं, अभी जब धर्मशाला से यहाँ पे आई हूँ तो क्या मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पे? यहाँ पे नहीं, सेकंड टाइम। सेकंड टाइम आई हूँ ना। तो एक्चुअली जब धर्मशाला से आई थी ना, बीबी आ जाओ आप भी, बीबी वहां जा करके देख रही है। तो एक्चुअली मैं जब धर्मशाला से हम लोग आए थे ना, तो मैं और कबू यहाँ पर आ गए थे, और ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है। बस ये था कि मैं व्लॉग्स नहीं बना रही थी, तो आप लोगों को पता नहीं चला कि भाई हम लोग यहाँ पर आए थे या नहीं आए थे, इसलिए कुछ लोगों ने ऐसे अजम्पशंस बना लिए कि मैं जब से चंडीगढ़ में आई हूँ तब से मैं अपने घर वालों से नहीं मिली हूँ, अपने घर पर नहीं आई हूँ। तो यस, मैं और कबू यहाँ पर थे, और रवि अपने दोस्तों के यहाँ पर रह रहा था क्योंकि यहाँ पर नाना नानी थे एंड हमारे पास 2 ही डबल बेड्स हैं, तो एक में नाना नानी सोते थे, एक में मैं, मम्मी, कब्बू, तो हमारे पास ऐसे में यहाँ पर सोने उठने बैठने की जगह नहीं थी, इसलिए रवि को जो है अपने फ्रेंड के यहाँ पर जाना पड़ा। राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कब्बू के साथ में पीजी में क्यों गई? तो एक्चुअली भाई देखो, पज्जू कब्बू के साथ उसके पीजी में मैं इसलिए गई क्योंकि कब्बू ना घर से पहली बार बाहर निकली है एंड उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था बेसिक एप्लीकेशंस यूज करने का, जैसे कि ओला, उबर, गूगल मैप्स वगैरह ये सब। तो ऐसे में उसको मुझे गाइड करना था क्योंकि रवि भी उसके साथ पीजी में नहीं रह सकता था, इट वॉज अ गर्ल्स पीजी, तो इसलिए उसके साथ मैं गई और उसको मैंने सारा कुछ समझाया, एवरीथिंग, सब चीजों में ट्रेन किया ताकि उसको बाद में जब अकेले रहना है तो ऐसे में वो जो है वो ऐसे स्ट्रगल ना करे एंड उसको दिक्कत ना आए कोई भी। मैं हूँ कब्बू के पीजी में और यहाँ पर आए हुए तकरीबन हो गए हैं 5 दिन, आज 5वां दिन है। यस, तो मैंने सोचा था कि सिंस कब्बू मतलब फर्स्ट टाइम घर से बाहर निकल रही है एंड वो अकेला फील करेगी, इसलिए मैं उसके साथ आ गई ताकि उसको अकेला भी फील ना हो एंड मैं थोड़ा सा उसको गाइड भी कर दूँ, बिकॉज शी इज़ न्यू विद दोज एप्लीकेशंस लाइक यू नो ओला, उबर और जीपे, गूगल मैप्स एक्सेट्रा। तो फिर यस, मैंने अभी कुछ दिनों से उसको ट्रेन कर दिया है एंड नाउ शी इज़ कम्फर्ट
कम्फर्टेबल विद एवरीथिंग, क्योंकि इन सब चीज़ों की तो भाई सिटी में रहना तो ज़रूरत तो पड़ती ही है, एंड इसके बिना तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते ना आजकल। तो इसलिए मैं उसको यहाँ पर आई थी हेल्प करने के लिए एंड उसको गाइड करने के लिए, और ताकि उसको अकेला फील ना हो। तो ये सब सोच करके मैं उसके साथ थी, और फिर उसके बाद तो पीजी के बाद उसने रूम शिफ्ट कर ही दिया। तो जब रूम शिफ्ट किया तो रूम में एनी हाउ उसका ब्रदर आई मीन रवि उसके साथ था, तो इसलिए मैं ज़्यादा दिन वहाँ पर रुकी नहीं, और एक दो दिन बाद मैं यहाँ पर अपने घर पे आ गई। बड़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है ना बिना फैन के। खैर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि आपका घर तो चंडीगढ़ में ही है, फिर कब वो आपके घर में क्यों नहीं रहती, वो क्यों ऐसे पीछे के धक्के खा रही है, या फिर क्यों ऐसे उसके लिए रूम ढूंढा जा रहा है। तो देखो भाई, कब वो पढ़ती है पंजाब यूनिवर्सिटी में, और मम्मी हम कहाँ रहते हैं? जीरकपुर। और जीरकपुर से पंजाब यूनिवर्सिटी कितना दूर है? बहुत दूर है, वहाँ सब तो ये जा ही नहीं सकती जीरकपुर से, मतलब ऐसा नहीं जा सकती, बट जा सकती है, बहुत टाइम लगेगा, प्लस ऐसे ऑटो बदलने पड़ेंगे, बहुत सारे ऑटोज वगैरह भी बदलने पड़ेंगे, डायरेक्ट ऐसे कुछ भी नहीं है, एंड वैसे भी एक घंटा या एक घंटे से ऊपर लग ही जाता है वहां तक पहुंचने के लिए। एंड उसका जो टाइमिंग है ना, वो उसका इवनिंग बैच है, मतलब 2 बजे से होता है रात के 9:30 बजे तक होता है। तो दोपहर के खड़े दोपहर में, इतनी धूप में, इतनी गर्मी में वो यहाँ से निकलेगी, और इतने धक्के खाते हुए फिर वो मतलब कॉलेज पहुंचेगी, तो उसका बुरा हाल हो जाएगा। एंड वैसे भी जब वो रात के 9 या 9:30 बजे फ्री होगी, तो उसके बाद उसके लिए मुश्किल हो जाएगा रात के टाइम पे इतनी दूर ट्रैवल करना और इतनी दूर यहाँ पर आना। तो ये रीजन था, अदरवाइज तो हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। हम तो क्या, रवि के खुद के रिलेटिव्स भी रहते हैं जीरकपुर में, तो अगर वो चाहते तो अपने रिलेटिव के यहाँ पे भी रह सकती थी, वो चाहती तो हमारे यहाँ पर भी रह सकती थी, बट ये एक रीजन था कि भैया से बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता एंड उसके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता, तो इसलिए हम लोग उसके लिए पीजी या फिर रूम ढूंढ रहे थे। अब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल जो कि लोगों ने बहुत ज्यादा अपनी तरफ से एजम्पशंस कर लिए, बहुत ज्यादा अपनी तरफ से ज्यूम कर लिया, तो मम्मी मुझे ये बताओ कि क्या मेरे घर वालों के साथ लड़ाई हुई है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मेरे भाई कोई लड़ाई नहीं हुई, ना मम्मी के साथ, ना नाना नानी के साथ, किसी के साथ लड़ाई ऐसा नहीं हुई। कुछ नहीं है, जो घर का सामान भी ये लेके गई है पुणे वाला। चलो चलो, वो तो कोई नहीं, वो मैं आपको, मुझे पता है उसको लेकर के भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, वो अभी इस वीडियो में नहीं बात करते, वो मैं धर्मशाला जाकर के ही उस पे वीडियो बनाऊंगी। बट यस, मेरी कोई लड़ाई नहीं हुई है। हाँ, थोड़े बहुत जो प्रॉब्लम्स है वो तो हर फैमिली में चलते ही रहते हैं, वो मतलब हमारी क्या, हर किसी के लाइफ में छोटे मोटे फैमिली डिस्प्यूट्स होते ही रहते हैं, तो इट्स नॉट अ बिग डील, अदरवाइज ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हुई है। चलो अब आखिरी सवाल, इतनी गर्मी में पसीने छूट रहे हैं मेरे तो बुरी तरीके से, तो फटाफट ये सवाल जवाब खत्म करते हैं एंड फिर उसके बाद फैन ऑन करते हैं। तो मम्मी, आर यू रेडी? रेडी रेडी। तो लास्ट सवाल है, जो कि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई आखिरकार बेला कहाँ पे है, तो मम्मी बेला कहाँ पे है? बेला मेरी एक फ्रेंड के पास है, हम लोग ब्यास जा रहे थे तो मम्मी पापा भी साथ ही गए हुए थे, तो उसको यहाँ पे रहने की जगह नहीं थी, तो अपनी फ्रेंड को देखेंगे। तो एक्चुअली ना, मेरे नाना नानी और मम्मी ये जाते हैं हर वीकेंड में, ऑलमोस्ट हर वीकेंड में जाते हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे करके, और इसी वजह से मैं भी मतलब कब वो रवि के साथ थी, क्योंकि मैं भी यहाँ पे घर में अकेले क्या करती, तो ऐसे में मैंने सोचा उनके साथ मैं भी घूम फिर लेती हूँ, और ऐसे में कबू का भी साथ हो जाएगा। कबू के साथ रह रही थी पीजी में, और पीजी में आपको पता है मैं दो दो डॉग साथ में लेकर के नहीं जा सकती थी, तो मैं एक ही लेकर के जा सकती थी, और बेला बहुत ज्यादा नॉटी है, तो उसको तो मैं बिल्कुल भी नहीं पीजी में लेके जा सकती थी, तो ऐसे में मैंने उसको मम्मी के पास छोड़ा, लेकिन फिर मम्मी को जाना पड़ा ब्यास में, क्योंकि मम्मी और नाना नानी तो ये लोग ब्यास जाते हैं हर वीकेंड, तो ऐसे में मम्मी ने क्या किया, बेला को अपनी फ्रेंड के पास छोड़ दिया, और वैसे भी वो ना बड़े दिनों से मतलब मांग रहे थे, उनको बेला बहुत पसंद आती थी, वो वीडियोज वगैरह देखते थे हमारी, और उसमें उन्होंने बेला को देख रखा था, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो थोड़ी दिनों के लिए उनको हम बेला दे देते हैं। तो ये थे फिलहाल आप लोगों के सारे सवालों के जवाब। मुझे पता है आप लोगों के पास और भी सारे सवाल हैं, कि मैंने क्या ये घर बेच दिया है, मैंने अपना सामान धर्मशाला को शिफ्ट क्यों किया, मैंने धर्मशाला में क्या नया घर खरीदा, या फिर वहां पर मैं शिफ्ट क्यों हुई, ब्ला ब्ला ब्ला, तो ऐसे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी मैं दूंगी, लेकिन एक अलग वीडियो में, वो मैं वीडियो धर्मशाला जाकर के ही बनाऊंगी, यहां पर नहीं बनाऊंगी वो वाली वीडियो। तो आई थिंक आज की वीडियो में इतना ही काफी है। आई होप आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे, आपके सारे अजम्पशंस दूर हो गए होंगे, सब कुछ क्लैरिफाई हो गया होगा, इसलिए मैंने मम्मी को साथ में बिठाया, क्योंकि गवाही मतलब मैं अकेले बोलती, फिर आप कहाँ मेरी बातों पर विश्वास करते हैं ना, तो ऐसे में इसलिए मैं मम्मी को बिठाया, ताकि चलो आप लोग मेरी मम्मी की जुबान से ही सारे सवालों के जवाब सुन लो।
हो। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड और मिलेंगे जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया होगा, बेल आइकन पे क्लिक कर देना, नोटिफिकेशन इनेबल कर देना, कमेंट करके बताना कि आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मिले या नहीं मिले, और अगर और क्वेश्चन है तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय 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 बाय।